एवं कम वजन वाले सैम मैम बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन 26 मार्च को स्थानीय पंचायत समिति सभागार में किया गया। शिविर में हिंगनघाट और समुद्रपुर तालुका के अत्यधिक कुपोषित बच्चों की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच और उपचार किया गया। उक्त शिविर का आयोजन जिला परिषद वर्धा, मेडिकल अवेयरनेस फोरम वर्धा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वर्धा, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट एसोसिएशन वर्धा द्वारा किया गया था। उक्त शिविर का आयोजन तालुका चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल रुईकर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी अमोल चिरुटकर के मार्गदर्शन में किया गया था। इस समय जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. वर्धा शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सचिन पावड़े, दिनेश मिटकर, डॉक्टर अभिजीत बोरकर सहित चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल खोरपड़े, डॉक्टर शिवाली निखाड़े, डॉक्टर निकिता निखाड़े, डॉक्टर दिव्या बावरे, डॉक्टर राजेश्वरी दाते, डॉक्टर संजीवनी गेचलवार द्वारा 265 कुपोषित बच्चों की जांच एवं उपचार किया गया। इसमें समुद्रपुर तालुका के 125 और हिंगनघाट तालुका के 140 बच्चे शामिल थे। शिविर के दौरान रोटरी क्लब सुगुना फूड्स की ओर से हितग्राहियों को चिक्की व जलपान का वितरण किया गया। कदम पाटिल, विनोद भगत सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि ने शिविर की सफलता में सहयोग किया। प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणचे जे बालक आहेत, जे कुपोषित बालक आहेत, त्यांना एका ठिकाणी एकत्रित करून त्यांची तपासणी करून त्यांना कुठले दुर्धर आजार आहे का, त्यांचे हिमोग्लोबिन कमी आहे का, किंवा अजून काही न्यूट्रिशनल प्रॉब्लेम आहे का, त्याचं निदान आम्ही करतो आहे। NBCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि यनौरकर की रिपोर्ट।